मानस बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज है। मैंने तो श्रुति बस इतना ही कहा कि अभी नहीं चलेंगे, थोड़े टाइम के बाद चलेंगे। किशोर जैसे लड़के बहुत घूमते हैं आप। आज से पहले तो उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। हम दोनों मिलके इसको मार तो पाएंगे ना। ए, बाहर निकल। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। फाइनली पहुंच गए। वाओ, कितना बड़ा घर है, ये पूरा हमारा है? नहीं, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाला एरिया हमारा है। बाकी ऊपर वाले फ्लोर पे हमारा लैंडलॉर्ड अजय और उसकी वाइफ त्रिशा रहते हैं। बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। मतलब अगर हम हनीमून पे जाने से पहले यहाँ एक मिनी हनीमून मना ले तो कोई कुछ नहीं कहेगा? कोई क्यों कुछ कहेगा? तो बेडरूम कहाँ है? आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मेरा नाम किशोर गुज्जर कॉन्ट्रैक्टर है, अजय जी ने बुलाया था। अब मानस, ये कोई अजय जी से मिलने आया है। नमस्ते। नमस्ते। अजय जी ने बुलाया था। अच्छा, बुलाता हूँ। जी अजय, अजय। अरे मानस, तू कब आया? बस थोड़ी देर पहले। क्या हाल है? मस्ती। नमस्ते भाभी। नमस्ते। वो कोई मिलने आया आपसे। नमस्ते अजय जी, मेरा नाम किशोर गुज्जर कॉन्ट्रैक्टर है, आपने बुलाया था। हाँ त्रिशा, तुमने कहा था ना घर रिनोवेट करना है। हाँ। एक काम करिए ना, ऊपर बालकनी चेक कर लीजिए और जो भी खर्चा होगा बता दीजिए मुझे। ठीक है साहब। और बाकी मानस, क्या चल रहा है? बाकी सब ठीक। हाँ श्रुति, ये त्रिशा भाभी हैं और त्रिशा भाभी ये है श्रुति। हाय। और हाँ, ये हमारे लैंडलॉर्ड अजय। तू भी ना शर्मिंदा कर रहा है, हम दोस्त पहले, लैंडलॉर्ड बाद में। हाँ मतलब। अच्छा भाभी, आज शाम को ना सब साथ में डिनर करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सुना, तुम लोग कैरी ऑन करो, वो जरा कॉन्ट्रैक्टर है ना, मुझे उसे समझाना है, मैं आता हूँ। शाम को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके बाय। बाय। इनकी लव मैरिज है क्या? हाँ, कॉलेज से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। सो रोमांटिक। और एक आप हो, शादी को 2 हफ्ते हो गए लेकिन हनीमून पे जाने का नाम भी नहीं ले रहे। हनीमून? देखो, शादी के चक्कर में पहले ही बहुत छुट्टियां हो गई हैं, अभी दोबारा छुट्टी मिलना तो मुश्किल होगा। अब
देखो थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद चलेंगे ना। किशोर जी चेक किया आपने? हाँ अजय जी, मैंने जस्ट चेक किया, बस एक हफ्ते का काम है पूरे घर का। ठीक है, कल से आ जाइए, शुरू करते हैं। ठीक है साहब। हेलो, अब इस घर में काम करने में बहुत मजा आएगा। अब मानस बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज है। हाँ, कच्ची उम्र थी ना मेरी, जब तक समझ आती उसके पहले ही लपक लिया इन्होंने। अच्छा जी, मैंने लपका था। वैसे एकदम सही बात है, पूरे कॉलेज में चर्चे थे इनके जोड़ी के। ऐसे भी कोई बात नहीं है, इतना क्यों फेंक रहा तो। बाकी श्रुति आप खाना बहुत अच्छा बना लेते हो। थैंक यू। अब नेक्स्ट टाइम ना मैं आपके हाथ का खाना टेस्ट करना चाहूंगी। क्यों नहीं, जरूर। कल ही प्लान करते। डन, चलो चलते हैं, कल ऑफिस जाना है। ठीक है, चल। हाँ, मुझे भी वैसे ऑफिस जाना है सुबह। इनका ऑफिस तो मेरे लिए सौतन बन चुका है। यार मानस, थोड़ा बीवी पे भी ध्यान दिया कर। हाँ। काम काज तो चलता रहेगा। ठीक है। ओके गाइस, देन चले। यस, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा श्रुति, तुम ये सब समेट लो, मैं चलता हूँ सोने, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना ऑफिस के लिए। जी। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। कौन लपका था कॉलेज में? मैं वैसे नहीं करना चाहती थी। जवाब तो दो। मैं क्यों दूं? ये क्या कर रहे हैं आप? हम दोनों नहीं रहते सिर्फ इस घर में, अभी किसी ने देख लिया ना। अच्छा तो क्या होगा, टेंशन नहीं है, कोई देख लेगा। लीगली बीवी हो तुम मेरी, समझे ना। I'm sorry, वो आप फोन नीचे भूल गए थे तो मैं वो देने आई थी। हाँ थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। श्रुति, अरे जल्दी टिफिन लाओ भाई, लेट हो रहा हूँ। हाँ ला रही हूँ। कौन सी तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है? अरे ट्रेन ही छूट जाएगी, अगर ये मेट्रो छूट गई ना तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। अच्छा ठीक, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखना ठीक है। मैं क्या, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, आगे जाओ। आ गए अभी, टाइम से नहीं आने होता।
हाँ चलो काम करो। ठीक है साहब, आ गए आप? हाँ आ जाइए। कब वॉलेट? थैंक यू सो मच किशोर भाई, एक अर्जेंट काम है, लगभग एक दो घंटे लगेंगे आने में। अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप त्रिशा से बताइए, वो अरेंज कर देंगे। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ओके ऑफिस से जाते हैं। अच्छा क्या हुआ भाई साहब, कुछ चाहिए था आपको? वो पानी, पानी पानी चाहिए था। नीचे पानी का जार रखा है, ले लो। जी अजय भैया। अरे भाभी आप बैठिए ना। वो मानस ने मुझे बताया था कि आपको आलू के पराठे बहुत पसंद है, आज मैंने बनाए तो सोचा कि आपके लिए सिलूं। भाभी एक्चुअली ना मैं थोड़ा सा बिजी हूँ काम में, आप एक काम करिए आप त्रिशा को दे दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। आई एम सो सॉरी यार। यार वो मानस इंसान तो सही है लेकिन ना उन पे काम का बहुत प्रेशर है। उन्होंने कहा कि अभी तो शादी के लिए उन्होंने छुट्टी ली थी, अब इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी तो वेट करने के लिए कह रहे हैं। अब चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। देखा डर गई ना। आप भी ना, ये तो जान ही निकाल दी थी आपने। ऐसे कैसे जान निकलने देंगे, जान तो अब हमारी है। छोड़ो मुझे चेंज करना जाना है। अरे
अरे वाह, रेड कलर में तो बहुत प्यारी लग रही हो। छोड़िए मुझे, मैं बहुत थक गई हूँ। पूरा दिन घर का काम किया है मैंने, आपने तो मुझे यहाँ लाकर नौकरानी बना दिया है। अरे क्या मतलब, किया क्या है मैंने? कुछ नहीं, आपसे नहीं होगा। ओफो, बताओ तो सही, बात क्या है, क्या चाहिए तुम्हें? चलिए ना, कहीं किसी अच्छी जगह घूमने के लिए चलते हैं, हनीमून भी मना लेंगे और साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। लेकिन आपको तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। मैंने लेकिन मना कब किया बाबा? मैंने तो श्रुति बस इतना ही कहा कि अभी नहीं चलेंगे, थोड़े टाइम के बाद चलेंगे। देखो ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ऊपर से ले ऑफ चल रहा है, अगर परफॉर्मेंस नहीं दी तो जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा। हाँ, पर आपके बहाने। अजय भैया को देखा है, भाभी का कितना ख्याल रखते हैं, उनको कितना खुश रखते हैं। अच्छा ठीक है, आई प्रोमिस, हम जल्दी ही अच्छी जगह पर घूमने चलेंगे। हाँ लेकिन अब रूठना बंद करो। छोड़िए मुझे नींद आ रही है। आ गए आप? हाँ श्रुति। लेट हो गए काफी यार। बहुत काम था यार ऑफिस में। खाना लगा दूं? नहीं, ऑफिस में कुछ खा लिया था, थक गया हूँ बहुत। कहो तो आपकी थकान दूर कर दूं? नहीं श्रुति, मैं सच में बहुत थक गया हूँ और कल ऑफिस भी जाना ही जल्दी, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम खा लेना। सॉरी। श्रुति जल्दी टिफिन लाओ, दो दो मिनट बोलकर 10 मिनट निकाल दिए। हाँ बाबा ले आई, ये लो। लेट हो जाऊंगा। बाय। देख रहा हूं मैं, नजर है थारे मुझ पर। खुश फहमी है तुम्हारी। अच्छा नजर पड़ने में महारत है मेरी। दूर हटो। मैं हटूंगा। पक्का जा रहा हूं मैं, फिर मत बोलना कि मैंने बोला नहीं। जाते हैं।
मैंने महाराज के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? अरे गलत तो उसने किया है, इतनी सुंदर बीवी की कदर ही नहीं उसे। तुम्हें बड़ी कदर है जैसे। हाँ तो कहता हूँ चलो हमारे साथ, रानी बना के रखेंगे तुम्हें। देखते हैं, फिलहाल तुम अभी जाओ यहाँ से। चलते हैं, अपना ख्याल रखना। आज लेट हो गया आने में? हाँ वो कुछ जरूरी काम आ गया था। यहाँ पे भी काम पे ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, संभल जाओ। ठीक है मैम साहब, ध्यान रखूंगा। किशोर? जी श्रुति। अरे त्रिशा आओ ना बैठो। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। ये जो किशोर है ना हमारा कॉन्ट्रैक्टर, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। जिस नजर से तुम्हें देखता है, मुझे देखता है, लिचड़ सा नहीं लगा तुम्हें? मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे नहीं, वो मैंने देखा है, वो कैसे तुम्हारे पास पानी मांगने आता है, घूरता रहता है, इसलिए सोचा कि तुम्हें आके आगाह कर दूं। तुम नहीं हो ना इस बड़े शहर में, किशोर जैसे लड़के बहुत घूमते हैं यहाँ, इसलिए संभल के रहना। मैं ध्यान रखूंगी। चलो मैं चलती हूँ, अजय जी आते ही होंगे। हेलो किशोर, मुझे कॉलोनी के पार्क में अभी आके मिलो। क्या हो गया, ऐसे अर्जेंट में क्यों बुलाया? त्रिशा को तुम पे शक हो रहा है, वो मुझसे कह रही थी कि तुमसे बच के रहूं। मुझे पता था उस लड़की को मुझसे प्रॉब्लम है, जिस तरीके से वो देख रही थी मैंने उसे भाव ही नहीं दिया, इसीलिए वो तुम्हें भड़का रही है। जो भी हो अब हमें संभल के मिलना होगा। अगर उसने मानस को बता दिया ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तू टेंशन ना ले, वैसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तू खुश नहीं है ना उस मानस के साथ, तो उसे छोड़ के हमेशा के लिए मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? आ जाऊंगी लेकिन अभी नहीं। तब तक मैं क्या करूं? मुझसे अब और तुमसे दूर नहीं रहा जाता। पागल हो गई हो क्या? पब्लिक प्लेस है, छोड़ो मुझे। ये कुछ नहीं होता इसे।
पागल हो गई क्या? ये देख लेगा। ऐसे कैसे होगा? बाहर ये पब्लिक और घर में वो त्रिशा का साया। आ जाओ ना भाव। कुछ नहीं कर सकते। चलो मुझे जाना है। मानस कभी भी आता होगा। अरे सुनो। इस त्रिशा का कुछ करना पड़ेगा। हाँ त्रिशा, फोन क्यों नहीं लग रहा है? त्रिशा, मानस, श्रुति मेरा टिफिन लाओ जल्दी। मानस, त्रिशा को देखा तूने? नहीं तो पता नहीं, उसका फोन भी नहीं बंद। ये आपका लंच। भैया मैंने करीब एक घंटे पहले त्रिशा को घर से बाहर जाते हुए देखा था। हाँ वो पास वाले मार्केट में गई तो थी सब्जी लाने, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम हो गया उसको जाकर। मुझे बिना बताए वो इतना टाइम कहीं बाहर नहीं जाती, प्लस उसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। अजी तुम टेंशन मत लो, हो सकता है भाभी यहाँ वहाँ चली गई हो, आ जाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल करना। हाँ यार मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है, बाकी टेंशन मत लो। श्रुति ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय। दिया था। अरे बड़ा सोचा वो चुड़ैल भी घर में नहीं है और मौका अच्छा है। क्यों? पता नहीं त्रिशा सुबह से कहाँ चली गई। अरे जहाँ कहीं भी गई हो, हमें क्या, हमें तो बस मौका चाहिए। वो मिल गया, अब उसके आने से पहले वॉलेट। श्रुति जी। श्रुति वो आधे रास्ते में पहुंचा तो पता चला कि वॉलेट ही नहीं है। देखो ना कहाँ है। हाँ ना अभी लाई। आप एक काम कीजिए ना, आप यहाँ रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ ये आपका वॉलेट जाइए। एक मिनट।
आपको लेट नहीं हो रहा, चलिए चलिए ना, चलिए। मुझे लगा कोई है, ठीक है ख्याल रखो। यार मानस भाई, मैंने त्रिशा को हर जगह ढूंढा लेकिन उसके बारे में कुछ पता ही नहीं लग रहा। कितने लोगों से पूछा लेकिन किसी ने उसे देखा ही नहीं। मुझे अब बहुत घबराहट हो रही है। हाँ जी भाई, डरने की बात तो है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन में FIR करवाएंगे, शायद कुछ करेंगे क्योंकि बहुत टाइम बीत गया। अजय भाई आप चिंता मत करो, हमने पुलिस कंप्लेन कर दी है ना, देखना मिल जाएगी भाभी। त्रिशा ऐसा कैसे कर सकती है यार, आज से पहले तो उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया, पूरा दिन घर से गायब है मुझे बिना बताए। हाँ समझ सकता हूँ, लेकिन आप भरोसा रखो, देखना मेरा मन कहता है कि एक दो दिन में अच्छी खबर आएगी। त्रिशा श्रुति, ये दरवाजे पर कौन था? हाँ मैं ही थी, कोई नहीं था। ठीक है तुम चलकर खाना खा लो। एक बात बता, वो जो है ना कॉन्ट्रैक्टर अपना किशोर, वो आदमी तुझे सही लगता है क्या? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो कल रात को त्रिशा मुझसे कह रही थी हम कॉन्ट्रैक्टर बदल सकते हैं क्या। मैंने भी उससे पूछा क्यों, तो उसने मुझे बोला कि ये जो किशोर है वो उसे सही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। कुछ कह नहीं सकते। हाँ लेकिन आप भरोसा रखो और प्लीज खाना खा लें, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। तुम मैं बार बार मिलने मत आ जाया करो, अभी अजय और मानस दोनों घर पे थे। अरे मेरी जान, जहां रिस्क है वहीं तो इश्क है। क्या हुआ श्रुति, ये एकदम से हड़बड़ा क्यों गई, किससे बात कर रही थी? वो मैं नेहा से बात कर रही थी, अब फिर आप अचानक से आ गए तो। ठीक है गुड नाइट। रामपाल। हाँ साहब। धड़क से सीमेंट लगा। हाँ साहब।
हाँ साहब, कुछ बात करनी है तुझसे, टेरेस पे चल। हाँ साहब बोलिए ना। दिशा कहाँ है? क्या हो गया साहब, हमें कैसे पता होगा कि भाभी जी कहाँ गई है? अपना नाटक ये बंद कर, मैंने श्रुति के फोन में तेरी और उसकी चैट देख ली है। तेरी पहले दिन से नजर थी हमारी बीबियों के ऊपर। हाँ जी, तेरी बीवी ने ही लाइन मारी थी मुझ पर, और तेरी बीवी उसका पता नहीं। अबे साले, मेरी बीवी से दूर रह। उसका कोई मतलब ना है। तेरी बीवी जो है ना, मारे से दूर नहीं रह पाएगी, समझा? क्योंकि एक बार किशोर के शरीर का नशा चढ़ जाए ना, उसे छूटे नहीं छूटता। अब भूल जा, तेरी बीवी को तो अब किशोर ले उड़ा। साहब बचा हुआ काम कर लूं? हाँ जाता हूं। अरे इतनी आसानी से मुंह नहीं खुलेगा, ये गुंडा आदमी है। लेकिन मुझे यकीन है त्रिशा के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानता है। अजय भाई, इसका काम तमाम करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी बीबी को ले उड़ेगा। ये तो घट्टा लंबा चौड़ा आदमी, हम दोनों मिलके इसको मार तो पाएंगे ना? दोनों अगर साथ करेंगे तो बिल्कुल मार पाएंगे। आज कैसे भी करके काम तमाम करना है इसका। गुरिल्ला वार करेंगे पीछे से। अरे वाह यार मानस, मैं कातिल नहीं हूं यार, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। पागल मत बन, क्या कहेगा पुलिस से? सबूत क्या है तेरे पास? यार सब मैं नहीं जानता। अरे वाह, बस जा रहा हूँ पुलिस के पास। अजी पागल, अजी मेरी बात सुन। अरे ए, बाहर निकल। अरे मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, वो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, फोन बंद हो गया होगा। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? आइए सर। सर मुझे पक्का यकीन है कि मानस के साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है। और सर ये मानस की पत्नी है, इनका पति दो दिन से गायब है और ये बिल्कुल आराम से बैठी है यहाँ पर। अजय भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप, मानस से मेरी बात है, बिल्कुल ठीक है वो। तुम झूठ मत बोलो श्रुति, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर। सर इसके डर से मैं खुद अपने घर पे दो दिन तक नहीं आया। इसने अपने आशिक किशोर के साथ मिलके पहले मेरी बीवी त्रिशा और अब मानस दोनों को गायब कर दिया है। मैडम अगर आपकी बात हुई आपके पति से तो कॉल हिस्ट्री दिखाइए। मैडम को जरा इंट्रोगेशन के लिए लो। सर मैं बताती हूँ। सर बताओ, बताओ क्या हुआ था? सर मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया किशोर ने किया, मैं बस उसका साथ दे रही थी। कहाँ है त्रिशा और कहाँ है मानस? बताओ।
जाते हैं। रुक रुक। किधर गया ये? लगता है भाग गया। सीधा खड़ा रहा। बता दे क्या हुआ था। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। वो उस रात मानस मुझे मारने के लिए आया था। इसके पहले कि वो कुछ कर पाता, मैंने देख लिया। ए, बाहर निकल। ए, रुक। और उसे मैं पकड़कर एक सुनसान घर में ले आया। श्रुति को भी मैंने वही बुला लिया था। मुझे मारने चला था। मुझे। ये क्या किया तूने? मेरे पति को ऐसे क्यों बांधा है? अरे मरा नहीं है, जिंदा है। मुझे मारने चला था, मैंने भी इसे धर पकड़ लिया। पर मेरी बात सुन, इसे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसे रास्ते से हटा दे और अपनी नई जिंदगी शुरू कर दे। तू पागल हो गया क्या? हा? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। से प्यार करती है ना तू? करती है ना मुझसे प्यार? बस विश्वास रख। सब संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा। हट गया रास्ते से। हा? उसके बाद मैंने श्रुति की मदद से मैंने मानस की बॉडी अजय के बेडरूम की दीवार में चुरवा दिया था। और उसके पहले त्रिशा की भी बॉडी मैंने ही छुपके से उसी दीवार में चुरवा दिया था। क्यों किया तूने ऐसा? अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते ना, तो कभी किसी और के प्यार को खत्म करने के बारे में नहीं सोचते। और तूने अपने हवस की आग में खुद के परिवार के साथ साथ मेरे परिवार को भी उछाड़ के रख दिया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को। Yeah.